गोरखपुर जिले में गुरुवार को 126 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं 3 संक्रमितों की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,805 हो गई है। इनमें से 273 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 14,899 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,633 कोरोना मरीज एक्टिव है, इसकी पुष्टि सीएमओ श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जाँच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शहर की बात करें तो 55 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को सबसे अधिक 21 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 5, कैंट थाना क्षेत्र में 13, रामगढ़ताल 2, कोतवाली 5, गुलेरिया में 1, राजघाट में 2, चिलवाताल में 1, तिवारीपुर में 5 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 54 नए मरीज मिले हैं। इनमें ब्रह्मपुर में 1, चरगावा में 4, खोराबाद में 5, कैंपेरगंज में 1, जंगल कौड़िया में 2, पिपरौली में 2, गोला में 5, पिपराइज में 4, सहजनवा में 3, पाली में 2, भटहट में 1, गगहा में 7, सरदारनगर में 11, कौड़ीराम में 2, बेलघाट में 3, खजनी में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 17 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानी को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।